महान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय गुरुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर अरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग चालीस हजार फिट का पंडाल 50 कुंटल सब्जी 200 से ज्यादा आय के बना वाला कर्मचारी 24 घंटा पेड़ा से बिड़िया थका है या लवखेड़ी सरकार की महिमा है। मंगलवार घटिया कण लवखेड़ी धाम में नगर भोज होएगा। गया एक महीना भाजपा का नेता प्रताप करोसिया जी ने इनकी टीम का 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उन कोई 150 गांव में घरे घर इना भोज का नोता दीवान पहुंचा था। यो अंदाजो है कि कोई 50,000 लोग उन या प्रसाद पवन जुटेगा। जितना बड़ो आयोजन उतरी बड़ी तैयारी। कार्यकर्ता उनका जोश थकान पर पड़ी रहो भारी। सोमवार शाम तो बाबा का दरबार सजी भी गया है। आयोजन की तैयारी उन भी पूरी होगी। इन आयोजन में दादा सत्यनारायण जटिया जी मोहन यादव जी सांसद अनिल फिरोजिया जी बहादुर सिंह जी बोर मुंडला आखा जिला भाजपा का नेता उन शामिल होने पहुंचेगा। भोज भी होएगा भजन भी। भजन वास्ते मंडली इंदौर से बुलाई थकी है। प्रताप करोसिया जी ऐसा आयोजन उन करता ही रहे। गई 15 अगस्त पे भी इन्ना आखा गट्टिया बेल्ट का सरकारी स्कूल उनमें छोटी छोटी उनका कापी किताबा उन बटवाई थी। अपना यहाँ का नगर निगम वाला उनने गया एक दो हफ्ता धूम मचाई रखी है। जहाँ देखो वहाँ जेसीबी पंजो फेरी आया कजा कितना टेंशन दिया है। दफोरे में पाछा अंजर पंजर उठाएं चल्लू ही गया देव धरा दन देवास गेट से नाड़िया उन उगाड़ना शुरू करे माड़ीपुरा तोपखाना तक सफाई करी दी। कोई 50 का होटला उन तोड़ा होगा 25 की फर्चिया उन पर गन चलाया होगा। देवास गेट से लेकर महाकाल महाकाल चौराहा तक दौलत गंज होती हुई अपना ये कौन सा बोलते हैं इसको तोपखाना होती हुई तोपखाना से महामार्ग तक के जो रोड पर जिसने अतिक्रमण कर रखा है पक्के निर्माण करें उसको तोड़ रहे हैं। अपना यहाँ का उज्जैन का वकील साहब उन पे कजा कहे कोरट सा ऐसा रिसाई का बैठा कगज पत्थर उन क्या सुन तो कजा कहाँ गया। कदी जिंदाबाद मुर्दाबाद करे कदी जान मंजिरा लाइक के बैठी जाए। सोमवार सगला वकील साहब उन हनुमान जी सामे रामायण जी सुना वास्ते बैठी गया। यो भी आंदोलन जी को एक हिस्सो हो यो 60 मामलो आंदोलन को आंदोलन पाप पुण्य को संतुलन। जो आदेश आया उसके विरोध स्वरूप लगातार हमारी 6 दिन से यहाँ पर ये स्ट्राइक चल रही है और इस न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण हम लोगों ने आज उन माननीय मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश महोदय को हमने सद्बुद्धि के लिए ये यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की है। नरसिंह घाट पर सोमवार दोपहरी में कार का भीतर से एक जना की लाश मिली। कार में लाश यो मामला जसा चलो हल्लो हो गयो। पुलिस वाला उन पहुंचा लाश बाहर निकाल ली कार का भीतर झांकिया तो आधी खाली ना आधी भरी दारू बोतल मिली गिलास मिलियो। कार की सीट पे बैठी पैक लगाता लगाता भगवान घरे पहुंची गयानी भाई की पहचान राजकोट का अमीर का रूप में हुई है। अमीर चार धाम मंदिर कने बाबा जी छोड़वा यहाँ उज्जैन आया तो वहीं बाबा जी गाड़ी से उतर आई पैक गला में डालिया एक हाफ भी गड़क नीचे बराबर ने उतरे होगा प्राण पखेर उड़ गया।
नजर फिर माल यारों का देखो जमाई उन कसा माथे मांगे अपनी दुकान पे अपना माल रखना गुना हुई गयो। सीसीटीवी को यो वीडियो रविवार सांझ को यहाँ फ्रीगंज में वसावड़ा पेट्रोल पंप कने को है। दांत वाला डॉक्टर साहब इतने दिल्ली वाल जी भीतर मरीज उनकी बत्ती से गिनी रहा था। बाहर काउंटर पर रखे मोबाइल भी नहीं गयो, कोई मोबाइल गायब हुआ को हिल्लो हुए ढूंढा डांडी मची की। स्टेशन पर माधवनगर आड़ी के मोबाइल का साथ धरी भी लियो। दादा भाई अब माधवनगर का लॉकअप में विराज रहा है। डेंटल क्लिनिक है यहाँ फ्रीगंज में, उससे एक मोबाइल चोरी हुआ था। एक शरारती तत्व द्वारा मोबाइल चोरी किया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज दिखवाया गया और मोबाइल चोर का हुलिया इसमें दिखा, तो तुरंत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया है। देवास रोड का चंदेश्वरी गांव में रात दो परिवार हुन आपस में भिड़ी गया। मंदर कड़े मरियो जानवर फेंकवाक विवाद में आपस में झगड़े हुए भाई उन समाज के बीच में गश्ती लाया। अने गांव का राकेश चौधरी, निर्भय शेखर, कमलेश इनको गांव का बड़ा ही समाज का परिवार उनका साथ विवाद हुए थो। एक पक्ष रात नागजीरी थाना पहुंचो इनकी सुनवाई नहीं हुई। अवेरा पाछड़ न रसारा समाज जन उन भेला हुए थाना पहुंची गया। दो ही पक्ष वाला उन आपस में कई कह रहा इनसे सुनो इनकी परेशानी कही है। ये गांव चंदेश्वरी में मृत जो मवेशी रहते हैं मर जाते हैं उनको फेंकने का मामला है। मतलब सालों से जहाँ फेंकते आ रहे वहीं हम भी फेंक रहे हैं। कल हमारा एक बैल मर गया, हम फेंकने गए तो इनने गाड़ी रोकी तो हम कुछ नहीं बोले, बैल फेंक के आ गए। फिर रात को ये सब इकट्ठे हुए और थाने पे रिपोर्ट डालने आ गए तो फिर इनके पीछे हम भी आए। ये जो आए थे व्यक्ति चौधरी समाज के, इनको मैंने बोला कि भैया यहाँ इस जगह पे आप ये मवेशी मत फेंको, तो बोलते हैं बोले हम तो यहीं फेंकेंगे, जो आपसे बने वो कर लो। तो मैंने बोला भाई साहब कि यहाँ फेंकोगे यहाँ बदबू आती है। रात में हम आए तो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इन्हें आवेदन दिया खाली बस। उसके बाद में वो राकेश चौधरी आया, बोला आके वो हमारे बड़े भैया से बोल रहा है वो लेडीज होकर मारो, ये कौन सा नियम है। महितपुर में गया दंड शिवराज जी आया, करोड़ों रुपया उनके सौगात लाया। जने दिन शिवराज जी आया था वही दिन मैंने निकल दी थी महितपुर में भाजपा का भीतर भीतर अलग खिचड़ी पकी रही है। लो खिचड़ी के अंडे ढक्कन हटी गया। महितपुर का वारा ढूंढ सर जिला पंचायत जीती के आया प्रताप सिंह जी आर्य और श्याम सिंह जी चौहान। ये दो भाई उनने उज्जैन में अलग ही ताल ठोकी दी। दो ने आरोप लगाया विधायक बहादुर सिंह जी इन पर जलन का मारे झूठा केस उन लगे ही रहा। प्रताप सिंह जी ने तो यो भी कह दिया पार्टी टिकट दे के नहीं दे, विधानसभा चुनाव लड़ना पक्को है। और वहाँ आने वाली विधानसभा 2023 को लेकर कहीं न कहीं मतदाता और आम लोग हमारे पे भी विचार कर सकते हैं कि हम भी दावेदार हो सकते हैं, और हम भी इच्छा रखते हैं कि हम दोनों में से कोई भी दावेदार हो सकता है, क्योंकि वहाँ सुंदिया समाज का बाहुल्य है और वहाँ हमने भयमुक्ता का नारा दिया है और उस नारे के साथ हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर झूठे प्रकरण और कई प्रकार के षड्यंत्र रच के हम लोगों को प्रताड़ित, परेशान और अपने रास्ते से हटाने का प्रयास माननीय वहां के विधायक बहादुर सिंह चौहान कर रहे हैं। माधवनगर की पुलिस लाइन का भीतर रेवाड़ा पुलिस वाला भाई सुनील दुबे जी घरे वज्रपात हुई गयो। गई 24 के दुबे जी ड्यूटी गया था ना ही सरकारी क्वार्टर पर इनकी घरवाली लक्ष्मी बाई फांसी लगाई ली थी। एरे मेरा का परिवार उनने इनके अस्पताल में पहुंचाया, काले इनकी मौत भी हुई गई। दो ही जना का आपस का झगड़ा में कांड हुआ, यूं समझो अच्छा बड़ा खाता कमाता घर के की नजर लगेगी। लक्ष्मी बाई नाम की महिला है लगभग 40 साल की, जिसका आपस में विवाद होने के कारण 24 तारीख को फांसी लगाई थी। आज उसकी उपचार के दौरान डेथ हुई है। इसमें मर कायम किया गया है, वो पीएम कराया जा रहा है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जांच में जो निष्कर्ष आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिला का उनेल में गई 17 का 3 गौवंश उनका कटे हुए अंग मिले था। नजीकी हंडी से पुलिस ने मांस भी बरामद करो। ये मामला में 3 आजाद, साकिर ने आमिर के पुलिस ने धरीब लिया। इतरा का वाद भी गोरक्षा वाला भाई उनके सबर नहीं हुई। सोमवार उनेल का बंद का आह्वान करो। इनका समर्थन में आखा दन दुकान उन बंद रीप भी सही। दफोरी में हाथ में भगवा झंडा लेकर थाना तक रैली निकाली। पुलिस वाला उनके चेताया गौ माता का अपराधी उनका कड़ी सजा दिलाओ, इनका मकान उन चटकाओ। सीएसपी पिंटू बघेल जी बताई रहा बच्चे हुए चौथा आरोपी धरेगी गयो, आज कार्रवाई चल रू है। ये मामला पूरा 17 तारीख को की घटना थी जो उनेल क्षेत्र में हुई थी, गोहत्या को लेकर, जिसमें गोवंश अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसके तहत में आज उनेल बंद का आह्वान किया गया था गोरक्षा समिति के द्वारा।
इन लोगों की मांग थी कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। पूर्व में ही पुलिस की अच्छी कार्रवाई के द्वारा 3 आरोपी पकड़े गए थे और आज जो चौथा आरोपी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे भी जल्द से जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस बंद के आयोजन में एक तो रासुका की मांग चारों आरोपियों पर और उनके मकान ध्वस्त किए जाए, इस मांग को लेकर हमने आज उन्हेल बंद का आह्वान करा था। हमारा कहना यह है कि अगर जो भी मुलजिम है, जो बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो और जो अंदर है उनके उनके मकान तोड़े जाएं और उन्हें पूर्ण तरीके से सजा मिले जो पशु क्रूरता के अधिनियम आती है।